Hey, good morning students. How are you all? I hope you are fit, fine, taking good care of yourself. I'm your English teacher, Archana Singh, welcoming you all to the English class. Okay. So, today we will start the chapter, Where is the Pink Well? And from that chapter, we will first read the WH sound words. As you can see. Okay. So before that, we have already completed the magic matchbox. All the exercises has been done and you people have completed it in a very well mannered way. So keep up the good work. Okay, and let's start WH sound words. The first one is WHITE, white. WHIP, wipe. WHALE, whale. WHAT, what? WHYY. See, all the letters has been started by WH. WHEEL, wheel. WHERE, where. WHEN, when. WHISPER, whisper. WHISTLE, whistle. WHISKERS, whiskers. WHICH, which. WHILE, while. These are the WH sound words before the chapter. While we will find more WH sound words while reading the chapter. So let's start the chapter, that is, Where is a Pink Well? Okay. So, where is the pink well? First of all, there are some new words in the chapter we will see. That are COURT, coat, BEARD, beard, ANGRY, angry, MINISTER, minister, RUPEES, rupees, THIEF, thief, KINGDOM, kingdom, ANSWER, answer. Okay. Kuber is a king of Zana. Kuber kahan ka raja tha? Zana. He is sitting in his court with his ministers. वो कहाँ बैठा हुआ है? वो court में बैठा हुआ है अपने मंत्रियों के साथ. Court का हिंदी होता है अदालत, right? हमने सुना भी है बहुत बार. A short man with a white beard comes into the court. एक छोटा सा आदमी जिसकी सफ़ेद दाढ़ी है, beard का मतलब दाढ़ी, वो कोर्ट में आता है, मतलब अदालत में आता है. गुड इवनिंग माई लॉर्ड, सेज द मैन. वो राजा को शाम क्या बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलता है. गुड इवनिंग मतलब जैसे हम लोग गुड इवनिंग बोलते हैं ना, जैसे सुप्रभात बोलते हैं, तो शाम की ग्रीटिंग्स वो दे रहा है, ठीक है ना. शुभरात्रि सुप्रभात बोलते हैं ना, उसी तरह. गुड इवनिंग, सेज द किंग, वॉट कैन आई डू फॉर यू. तब राजा भी उसे ग्रीट करता है, मतलब उसे वो रिस्पॉन्स करता है, गुड इवनिंग, और वो पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, ठीक है. नेक्स्ट, माई लॉर्ड, इफ़ यू गिव मी 10,000 rupees, आई कैन गेट यू अ पिंक वेल, सेज द मैन. वो जो सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी था, वो राजा को क्या बोलता है, अगर आप मुझे 10,000 rupees देते हैं तो मैं आपके लिए गुलाबी कलर का वेल लाऊंगा, है ना. ऑल द मिनिस्टर्स इन द कोर्ट विसल व्हेन दे हियर दिस. अब सब सारे मंत्री आपस में बात करने लगे जब उन्होंने ये बात सुना. अब पिंक वेल, नो वन हैज एवर सीन अ पिंक वेल, सभी बोलने लगे गुलाबी वेल, किसी ने गुलाबी वेल कभी देखा भी नहीं है. The king thinks no other king has a pink well. I am going to keep the pink well in a big pink pool. तभी राजा सोचता है कि किसी भी राजा के पास गुलाबी वेल नहीं है. मैं पहला राजा हूँगा जो गुलाबी कलर का वेल, गुलाबी रंग का वेल रखूँगा, वो भी गुलाबी पूल में, ठीक है. When can you bring the well, pink well to me? तब राजा उस शॉर्ट शॉर्ट दाढ़ी वाले आदमी से पूछते हैं कि तुम मुझे गुलाबी वेल कब ला के दे रहे हो. आज द किंग, यू मे हैव द वेल इन 2 days time, answers द मैन. तो वो क्या बोलता है राजा को कि आपके पास गुलाबी रंग का वेल 2 दिन के अंदर होगा.
द किंग टेल्स द मिनिस्टर टू ब्रिंग 10,000 rupees. राजा मिनिस्टर को मतलब अपने मंत्री को बोलता है कि इसे 10,000 rupees लाओ और वो आदमी को दे दो. ही सेज इफ यू कैनॉट ब्रिंग द वेल इन 2 days टाइम आई एम गोइंग टू वाइप यू. मतलब अगर तुम 2 दिन में गुलाबी रंग के वेल को नहीं लाते हो तो मैं तुम्हें वाइप कर दूंगा. वाइप करना मतलब मैं तुमको राज्य से हटा दूंगा या पनिश करूंगा. ठीक है, तुम्हें सज़ा मिलेगी. द मैन टेक्स 10,000 rupees एंड गोज अवे. वो राजा वो उन्हें उसे 10,000 rupees देता है, वो लेता है और वो चला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या होता है. नेक्स्ट डे वाइल टेकिंग अराउंड इन हिज किंगडम द किंग टेल्स हिज मिनिस्टर टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द फूल्स इन हिज किंगडम. दूसरे दिन जब राजा अपने राज्य में घूमते हैं, वो देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो अपने मंत्री को बोलते हैं कि उल्लुओं का लिस्ट बनाइए, कितने उल्लू हैं राज्य में. द मिनिस्टर मेक्स अ लिस्ट. द मिनिस्टर लिस्ट बनाते हैं. ही पुट्स द नेम ऑफ द किंग एट द टॉप. उस लिस्ट में उन्होंने वो मंत्री क्या करते हैं, राजा का नाम पहले डाल देते हैं. When the king reads the list, he becomes very angry. जब राजा वो लिस्ट पढ़ते हैं तो वो बहुत गुस्सा होते हैं और बोलते हैं मेरा नाम लिस्ट में क्यों है. He wants to wipe the minister. वो मिनिस्टर को भी राज्य से दरखास्त कर देते, हटा देते. The minister folds his hands. He says, I'm sorry my lord, but you gave so much money to that thief. Do you think he is ever going to come back with the pink veil? तो मंत्री हाथ जोड़कर राजा के सामने बोलते हैं मुझे माफ़ करिएगा राजा साहब, आपने इतना पैसा जो उस चोर को दे दिया, क्या आपको लगता है कि वो कभी भी गुलाबी रंग का वेल लेके वापस आएगा. द किंग आस्क व्हाट इफ ही ब्रिंग्स द वेल. तो राजा बोलते हैं अगर उसने ले आया तो. देन माई लॉर्ड सेज द मिनिस्टर आई विल टेक आउट योर नेम फ्रॉम द टॉप ऑफ द लिस्ट एंड पुट माई नेम देयर. All that ministers laugh. तो फिर वो मिनिस्टर राजा को क्या बोलते हैं, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपका नाम वहाँ से हटा के अपना नाम वहाँ लिख दूँगा. ये सुन के बाकी जितने भी मंत्री हैं वो हंसने लगे. बहुत अच्छी स्टोरी है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई एन्जॉयड अ लॉट. आई थिंक यू पीपल विल ऑल्सो इन्जॉय. ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विथ WH साउंड वर्ड्स in the and the new words from the chapter. See, there are very new words in the chapter. We will mark it. Kuber, Zana, isn't it? Sitting, court as it is already written here. Ministers, okay. White, beard, it is already written here. Okay. How to greet good evening, this word, right? We'll go with simple the words like rupees, isn't it? Pink whale, right? Whistle. Okay, so pool. So we can write down the hard spellings, new words from the spellings we can write. Okay. Money to them, if you cannot bring the veil in 2 days, I'm going to wipe you out. Okay, this one. And round, kingdom, while, you can write in your copy when you will be writing the hard spellings. Okay, this one, very angry, isn't it? False. Money, sorry. So these are the spellings. Okay, I hope you have all understood the question answers we will do in our next class. I hope you are all understood with the WH sound words and the chapter. If any issues, any problem regarding the chapter, you can ask me. I'm there to help you out always. Okay, so by this I am ending the class. I hope you have understood, and please stay at home, stay fit, stay healthy, do your assignments on time, send me on time, and stay fit. Okay, so bye, take care, and have a very nice day. Bye students, take care all of you.